मोहम्मद कैफ ने एक बातचीत में कहा कि भारत का बेस्ट कप्तान मैं सौरभ गांगुली को मानता हूँ। मुझे याद है जब उन्होंने मुझे कहा कि मैदान पर जाकर अपना बेस्ट देना, तुमको बैक करने के लिए मैं हूँ। उन्होंने कहा था कि सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ। ये एक बड़ी बात थी। एक युवा के रूप में आपके पास जब गांगुली जैसा कप्तान हो तो भारत के लिए खेलते समय हौसला बढ़ जाता है। गौरतलब है कि भारतीय टीम के कप्तान दादा ने उस समय संभाली थी जब टीम इंडिया उठा पटक की स्थिति में चल रही थी। मैच फिक्सिंग के आरोपों के चलते कई सीनियरों को बाहर किया गया था। दादा ने 2000 में टीम इंडिया की कमान संभाल ली थी। साल 2002 में हुई चैंपियन ट्रॉफी में सौरभ गांगुली के पास जो टीम थी उसके ज्यादातर खिलाड़ी 20 से लेकर 25 साल की उम्र के थे। इसके बाद भी टीम इंडिया ने फाइनल में जगह हासिल की। बारिश के कारण लगातार दो दिन मैच धुला और श्रीलंका के साथ टीम इंडिया जॉइंट विनर रही। अगले ही साल 2003 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया वनडे वर्ल्ड कप भी भारतीय टीम के लिए खुशी की सौगात लेकर आया। हालांकि टीम इंडिया चैंपियन नहीं बनी, लेकिन प्रदर्शन में कमी नहीं थी। भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बनाई जहां ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की हार हुई। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।